गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सेकेंड लेक्चर है इकोनॉमिक्स का और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वाशिंगटन कंसेंसस, बेजिंग कंसेंसस और सैंथियो कंसेंसस और जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। अब हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि वाशिंगटन कंसेंसस क्या है। तो वाशिंगटन कंसेंसस ये किसने दिया था? जॉन विलियमसन ने। कब दिया? 1985 में। ठीक है, वाशिंगटन कंसेंसस जॉन विलियमसन ने दिया 1985 में। अब क्या होता है कि इसमें जॉन विलियमसन ने 10 पॉइंट्स दिए। तो वाशिंगटन कंसेंसस में यह कहा जाता है कि जितना से ज्यादा कैपिटलिस्टिक व्यू वापस से आए, जो एडम स्मिथ का जो कैपिटलिस्टिक व्यू था, जो लिबरलाइजेशन था, वो वापस से इस एरा में भी वापस आ जाए, और उसी को नाम हमने क्या दिया? नियो लिबरलाइजेशन। नियो लिबरलाइजेशन ये जो 1990s में जो न्यू लिबरलाइजेशन आया है, ये किस कंसेंसस से आया है? वाशिंगटन कंसेंसस से आया है, इससे आया है। जॉन विलियमसन ने इस चीज को, वाशिंगटन कंसेंसस को बनाया है, प्रपोंड किया है। अब इसके 10 पॉइंट्स क्या थे, उस कैपिटलिस्टिक व्यू के 10 पॉइंट्स क्या थे जो कि बिल्कुल न्यू लिबरलाइजेशन, मतलब एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है। और इसी वजह से 2008 का रिसेशन हुआ था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज क्या फॉलो करने लगे थे? वाशिंगटन कंसेंसस, मतलब कि न्यू लिबरलाइज हो गए चुके थे, न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करने लग गए थे मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब मैं पहले आपको आपको जो 10 पॉइंट्स इसने दिए थे वाशिंगटन कंसेंसस में जॉन विलियमसन ने, उसको बताता हूं। तो सबसे पहला था प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन करो, मनी बिगेट्स मनी, प्राइवेटाइजेशन मतलब जितना ज्यादा मुनाफा हो सके इकोनॉमी को, देश को। इससे कोई मतलब नहीं कि लोगों को, एक मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को फायदा हो रहा है कि नहीं, इक्वली इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इससे वाशिंगटन कंसेंसस को कोई मतलब नहीं था। उसे बस ये मतलब था कि इकोनॉमी को, देश को फायदा हो रहा है कि नहीं, उसकी जीडीपी, उसका गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन लाना, लाओ। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, कि टैक्स रिफॉर्म करो। टैक्स रिफॉर्म मतलब मार्जिनल रेट, मार्जिनल टैक्स रेट को कम करो, लो करो। मार्जिनल टैक्स रेट को कम करना मतलब, मार्जिनल टैक्स रेट मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। इसमें क्या होता है, अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आप पे ज्यादा टैक्स लगता है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट में, और कम कमा रहे हैं तो कम टैक्स लगेगा। तो इसने क्या कहा कि इस प्रोग्रेसिव टैक्स रेट को और कम करो, मतलब कि जो जितना ज्यादा कमाएगा
हायर इनकम होगा, पर वो हायर टैक्स नहीं पे करेगा, हायर टैक्स नहीं पे करेगा। ठीक है, ये कहना था जॉन विलियमसन का। और जो लो कमा रहा है वो भी उतना ही टैक्स देगा जितना कि हाई कमाने वाले हैं, हाई इनकम वाले लोग हैं। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। अब थर्ड पॉइंट है इसका, अब थर्ड है इसका फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन मतलब एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक्सपेंडिचर बिल्कुल बढ़ गया और रिवेन्यू है ही नहीं, तो आपका इकोनॉमी बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपका रिवेन्यू हमेशा हाई होना चाहिए और एक्सपेंडिचर हमेशा इससे तो कम ही होना चाहिए, तभी आप ग्रॉस प्रॉफिट में जा पाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर रिवेन्यू हमेशा हाई होना चाहिए, एक्सपेंडिचर थोड़ा सा उससे कम होना चाहिए या फिर उसके इक्वल हो, बैलेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू होना चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन। ये था थर्ड पॉइंट सेंटे ये वाशिंगटन कंसेंसस का। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया कि हम उन उन सब चीज़ों पे पैसा खर्च करेंगे, मतलब इन द सेंस हम कैपिटल इन्वेस्ट उन पे करेंगे जो कि हाई इकोनॉमिक रिटर्न दे। जैसे हाई इकोनॉमिक रिटर्न कौन देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो हमने रोड बनाया, ठीक है, अब उस रोड पे जितने भी, अब वो रोड क्या करेगा, गांव को शहर से लिंक करेगा। अब जो गांव में जो लोग दूध बेचते थे वो शहर आ सकेंगे वाया रोड, और वो शहर में दूध बेचेंगे तो फायदा किसका होगा? गांव वालों का, उनकी उनका इनकम बढ़ेगा। तो ये फायदा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब उनका इनकम बढ़ा तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम तो जीडीपी है ना। तो ये ऐसे देश मजबूत होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। हमने रोड बनाया, गांव को शहर से जोड़ा, गांव के लोग ग्वाला लोग दूध बेचे शहर में, पैसा किनके पास आया? गांव वाले के पास। नेशनल इनकम किसकी बढ़ी? देश की, देश का इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ, जीडीपी बढ़ा सो अलग। तो ये होता है फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसने जॉन विलियमसन ने क्या कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, उसके बाद फिर प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च करेंगे, तीसरा प्राइमरी हेल्थ पे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन पे करेंगे, प्राइमरी हेल्थ पे करेंगे। ये तीनों चीज क्या है? बिल्कुल हाई इकोनॉमिक रिटर्न सेक्टर है, ये जॉन विलियमसन ने कहा अपने 10 पॉइंट्स में। ये चौथा था। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी ट्रेड हम लोग करते हैं, अगर इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है तो उसको लिबरलाइज करो। ऐसा नहीं कि किसी पे सैंक्शन लगा दिए हम कि तुमसे हमें ट्रेड नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट क्या था कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। छठा पॉइंट क्या था? लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ऐसा नहीं है कि आप किसी से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और किसी से कम ले रहे हैं, नहीं, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ठीक है, सातवां, सिक्योर प्रॉपर्टी राइट। ये देखो, ये बिल्कुल कम्युनिज्म के
और सोशलिज्म के अपोजिट थी। ये पॉइंट सिक्योर प्रॉपर्टी राइट, कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्योर प्रॉपर्टी राइट, नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये है 7 पॉइंट्स, 3 और पॉइंट्स हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बेजिंग कंसेंसस में, ये वाशिंगटन कंसेंसस हो गया, इसके बाद बेजिंग कंसेंसस अपन करेंगे। बेजिंग कंसेंसस 2004 में सबसे पहली बार फॉरवर्ड हुआ था, लेकिन एक्चुअली ये 1976 में जो चाइनीज मॉडल, चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल जो था, इकोनॉमिक मॉडल ऑफ जो चाइना था, उसी का ये एक मॉडिफाइड फॉर्म कह लो, या फिर वही है एक्चुअली में, वो वही है। अब क्या होता है, बेजिंग कंसेंसस, अब आते हैं अपन बेजिंग कंसेंसस में। बेजिंग कंसेंसस सबसे पहली बार दो हजार चार में फॉरवर्ड किया था, किसने, जोशुआ ने। जोशुआ ने 2004 में इसको फॉरवर्ड करा, जोशुआ द रेमो, जोशुआ द रेमो ने 2004 में फॉरवर्ड करा था बेजिंग कंसेंसस को। पर ये एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना मॉडल, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना मॉडल है, जो कि किसने दिया था, ये दिया था डेंग जियोपिंग ने। कब दिया था, 1976 में, ठीक है। 1976 में ही माओ की डेथ हुई थी, ठीक है। माओ वही है जिन्होंने कहा था कि एवरी पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, मतलब कि वो वायलेंस में बिलीव करते थे माओ। पर डेंग जियोपिंग ने ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना मॉडल लाके, ये पॉलिसी लाके, ये बताया लोगों को कि डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, वायलेंस से डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसी डेवलपमेंट, बेजिंग कंसेंसस के बाद ही चाइना का रियल डेवलपमेंट हुआ है इकोनॉमिकली, अगर आप देखें तो इस, ये किसने दिया था, डेंग जियोपिंग ने 1976 में दिया। माओ की पूरी सोच को बदल के रख दी, किसने, डेंग जियोपिंग ने। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, मतलब सोशल भी डेवलपमेंट और इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सबका डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम इनोवेशन पे काम करेंगे, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे। ये किसने कहा, बेजिंग कंसेंसस में डेंग जियोपिंग ने कहा 1976 में। सोचो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होएगा, इनोवेशन पे काम होगा, और ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ, गरीब और अमीर, पुअर एंड रिच, दोनों का समान इक्वल डेवलपमेंट होएगा, ठीक है। ये
डेंग जियोपिंग ने कहा 1976 में। अब ये जो बीजिंग कंसेंसस है, ये टोटली एंटी था वाशिंगटन कंसेंसस के, ये प्रो कम्युनिस्ट पॉलिसी थी। कौन? बीजिंग कंसेंसस। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी वाशिंगटन कंसेंसस। अब ये वाशिंगटन कंसेंसस टोटली क्या था? कैपिटलिस्टिक था। और इसको प्रोपोन करने वाले भी, तो वाशिंगटन कंसेंसस को प्रोपोन किसने करा था? यूएस फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि कैपिटलिस्टिक होगी ही होगी, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ये तीनों ने कहा कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो कैपिटलिस्टिक अप्रोच को अपनाना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सैंटियागो कंसेंसस। सैंटियागो कंसेंसस भी वही बात करता है जो कि बीजिंग कंसेंसस बात करता है। ठीक है, सैंटियागो कंसेंसस ये कहता है कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। ठीक है, सैंटियागो कंसेंसस ये क्या कहते हैं कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। बिल्कुल इक्वल था किसके? बीजिंग कंसेंसस पे। बीजिंग कंसेंसस के इक्वल था ये। अरे बात समझ में? अब क्या होता है, और हमेशा याद रखना कि जो प्रोटेक्शनिज्म, बीजिंग कंसेंसस के बारे में एक चीज और बताता हूं कि बीजिंग कंसेंसस के कारण ही, बीजिंग कंसेंसस के जो अभी हम लोग प्रोटेक्शनिज्म देख रहे हैं, मतलब अभी जो प्रोटेक्शनिज्म देख रहे हैं सभी कंट्रीज में, यूएसए, यूके, इंडिया, अभी हमने आरसीईपी से अपना मेंबरशिप वापस लिया है, तो ये सब पॉलिसी, ये सब डिसीजन कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। मतलब कि बीजिंग कंसेंसस से, ये बीजिंग कंसेंसस से ही आ रहा है। ये आरसीपी से बाहर निकलना, बिल्कुल प्रोटेक्शनिज्म हो जाना, है ना, इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा देना, ये कहां से आता है? ये प्रोटेक्शनिज्म है। मतलब कि खुद के बिजनेस को, खुद के गुड्स एंड सर्विस की, खुद के गुड्स एंड सर्विस को इन्हेंस करना बजाय दूसरे कंट्रीज को, फॉरेन एंटिटीज के, इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट का जो अप्रोच है, जो सोच है, वो कहाँ से आता है? तो वो बीजिंग कंसेंसस से आता है, जो कि डेंग जियोपिंग ने दिया था 1976 में। ठीक है, ये तो बीजिंग कंसेंसस का हो गया। अब क्या होता है, सैंटियागो, सैंटियागो कंसेंसस किसको सपोर्ट कर देता है? बीजिंग कंसेंसस को। अब देखो, अब क्या होता है कि कैपिटलिज्म की कैपिटलिज्म का इतना डीमेरिट होने के बाद भी मोस्ट ऑफ द नेशंस कैपिटलिज्म व्यू को अपनाते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म व्यू को अपनाते हैं क्योंकि कैपिटलिज्म व्यू प्रो ग्रोथ है, प्रो डेवलपमेंट है।
आप बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत ही तेजी से डेवलप हो सकते हैं अगर आपने कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट अप्रोच को अपनाया। ठीक है, तो अब इसके बजाय कि आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म के कारण दो बार डिप्रेशन आया। पहला कब आया? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है। ठीक है, दूसरा कब आता है? 2007, जो कि यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आता है, और 2008 में पूरे दुनिया में ही ग्लोबल रिसेशन होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो समय था, इसमें लोग इन दोनों के समय 1929 से 2007 के बीच में जितने भी डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने किस डेवलप इकोनॉमीज जो थे उन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया? उन्होंने सपोर्ट कर दिया वाशिंगटन कंसेंसस को। मतलब वो न्यू लिबरल हो गए, न्यू लिबरलिज्म को उन्होंने फॉलो करा कि हमें डेवलप करना है, हमें अपना जीडीपी आगे बढ़ानी है। इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ी, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, और जो भी इकोनॉमिक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि 2008 में ये जो होता है ग्लोबल रिसेशन, वो इसलिए होता है कि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज क्या फॉलो करते हैं? वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम ये पता करेंगे कि कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, किसकी इकोनॉमी ज्यादा डेवलप्ड है। मतलब इन द सेंस हम लोग यहाँ पे ये अब देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के चार स्टेप हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। पहला, जीडीपी। जीडीपी पे भी आप देश का नेशनल इनकम पता कर सकते हैं। दूसरा दूसरा है एनडीपी, इससे भी आप पता कर सकते हैं नेशनल इनकम। तीसरा है जीएनपी, इससे भी, और चौथा है एनएनपी। अब इसका फुल फॉर्म लिखता हूं मैं। अब जीडीपी क्या है? सबको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। ऊपर नेशनल इनकम लिख देता हूं ताकि सबको पता रहे कि हमारा मेन एम है नेशनल इनकम निकालना, एनआई। तो जीडीपी, तो जीडीपी क्या है कि जितने भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका वैल्यू क्या है, गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू क्या है एक साल के अंदर। जितने भी गुड्स एंड सर्विस को आपने प्रोड्यूस करा है, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी एक देश जो एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करा है एक साल में, उसकी वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपी और डॉलर, इसको क्या कहेंगे? जीडीपी। आगे बात समझे। अब जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी
इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन वन ईयर. सिंपल डेफिनेशन. ये जीडीपी है. जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ वन ईयर. ओके. अब ऐसा भी होता है इसमें कि हमें डबलिंग, मतलब एक इसमें आप लोग सोचेंगे कि इसका इसको कैलकुलेट करने के वक्त, जीडीपी के समय गुड्स एंड सर्विस के वैल्यू को कैलकुलेट करने के वक्त डबलिंग इफेक्ट भी होता है, जिससे कि हमें बचना होता है डबलिंग इफेक्ट. अब डबलिंग इफेक्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि कोई एक गुड्स है, कोई एक सामान है, ठीक है, गुड्स है, कोई एक सामान है जो कि प्रोड्यूस होता है किसी फैक्ट्री में, ठीक है. तो वो सबसे पहले प्रोड्यूस होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा, और लास्ट में वो कंज्यूमर के पास आएगा. अब आप क्या करेंगे, यहां भी गुड्स और सर्विस का वैल्यू जोड़ लो, यहां भी जोड़ लो, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि आप एक प्रोडक्ट को कितनी बारें जोड़ रहे हैं, 5 बार जोड़ रहे हैं. इसे कहते हैं डबलिंग इफेक्ट, जिससे कि हमें बचना है, ठीक है. कब, जब हम लोग गुड्स एंड सर्विस के वैल्यू को वैल्यू को काउंट कर रहे हो, ठीक है. अब हम लोग इससे, अब हम लोग जीडीपी तो कैसे निकला ये मालूम चल गया, और हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया तो उससे दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है. अब ये तो जीडीपी हो गया. अब आओ जीएनपी में, ठीक है. जीएनपी नहीं, एनडीपी में आओ. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब मान लो कि कोई एक फैन है. फैन क्या है, एक कमोडिटी है, गुड है, एक फैन है, इसकी वैल्यू 100 रुपए है इस साल, ठीक है. और मैंने बेस ईयर ले लिया 2011, अभी कितना है, अभी 2021 है. और कंपनी जब इसको बनाती है, कोई भी कंपनी जब फैन बनाती है तो वो एक डिप्रेसिएशन रेट भी बताती है कि सर हर साल जो ये फैन है, पंखा है, वो 2% खत्म हो जाएगी. ठीक है. अब ये जब 2% हर साल खत्म हो जाएगी तो ये 10 साल में, अभी गैप कितना है, ये 2011 में मान लो ये बना, ये फैन 2011 में बना है, तो 2011 से कैलकुलेट करेंगे तो अभी कितना 10 साल हो गया, तो 10 into मान लो उस फैन का
2% है और 2011 हमारा बेस है, बेस ईयर है, ठीक है, और 2021 में हमें कैलकुलेट करना है, और वो फैन है कितने का, 100 रुपये का है, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, गैप कितना है 2010 से 2021, 2021 में इस रेट को हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 2 20%, ठीक है। अब 20% ऑफ 100 कितना होगा, 20 रुपीज, बोलो 20 रुपये से ख़त्म हो, खराब हो चुका है वियर एंड टीयर, ठीक है। तो वियर एंड टीयर कितना कॉस्ट हो गया इसका, वियर एंड टीयर कॉस्ट हो गया 20 रुपीज, तो एक्चुअल GDP क्या होगी इस फैन की, GDP फैन का क्या होएगा, 100 - 20 80 रुपीज। तो हम लोग जब भी GDP इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस फैन की वैल्यू क्या लेंगे, 80 रुपये लेंगे, 100 रुपये नहीं लेंगे, क्योंकि 20 रुपये डिप्रिशिएट हो गया, 20 रुपये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, आएगा बात समझ में। अब ये हुआ जी, ये हुआ NDP। अब तुम कहोगे सर ये तो सबसे सही है, मतलब इन द सेंस NDP ही सभी इकोनॉमिस्ट को फॉलो करना चाहिए, NDP ही सबको फॉलो करना चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही सबको फॉलो करना चाहिए, हम लोग GDP को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि ये NDP क्या होता है, GDP माइनस डिप्रिसिएशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो डिप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है, जो रेट होता है, वो सभी कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं, कोई इसमें लॉ नहीं है। कोई कंपनी उस फैन का, जैसे इंडिया ने 2% रखा है, तो जापान क्या रख देगा, 0.2%, कोई और 0.002% रख देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितना डिप्रिसिएशन कम होगा उतना ही तो NDP हाई होगा, उतना ही तो NDP हाई जाएगा। मान लो डिप्रिसिएशन कम किसी ने, जापान ने कम किया है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो जापान का NDP ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, जापान ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है फिर, है ना। तो ऐसे तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कौन डेवलप्ड है, कौन इकोनॉमी स्ट्रांग है, कौन इकोनॉमी वीक है, तो इसलिए हम लोग GDP को करते हैं, को लेते हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन का वैल्यू कोई भी रख सकता है। दूसरा, डिप्रिसिएशन का इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारा यूज़ है। जैसे कि क्या हुआ था कि इंडिया में 2000 के समय, 2000 ईयर में क्या हुआ कि हमने हेवी व्हीकल्स पे कितना डिप्रिसिएशन रेट रखा था 2000 में, 20%, ठीक है। अब 20% रखा मतलब 5 साल में हमें वो ट्रक खराब हो जाएगा, किसी भी कंपनी का वो ट्रक खराब हो जाना है, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करेगी, अब सरकार ने क्या करा, अब इसका तो कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी 5 साल बाद बनाएगी उसको, कोई भी नया ट्रक कब बनाएगी, 5 साल बाद बनाएगी जब वो ख़त्म हो जाएगा। अब सरकार ने क्या करा, इस डिप्रिसिएशन रेट को बढ़ा दिया, 40% कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी कि 2.5 साल में ही, जो 5 साल में वो नया ट्रक बनाती थी, मार्केट में लाती थी, अब वो कंपनी 2.5 साल में ही बना के मार्केट में लाएगी, लोगों को बेचेगी। इससे इकोनॉमी किसका बूस्ट हुआ, कंट्री का बूस्ट हुआ, इंडिया का बूस्ट हुआ ना। हेवी व्हीकल्स, एक एक हेवी व्हीकल 10 लाख में आते हैं, तो आप ढाई जो पाँच पाँच साल में आप उस चीज़ को सेल कर रहे थे, अब कंपनी उसको 2.5 साल में ही कर रही है, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक बूस्ट। बिल्कुल आपका इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगा अगर आपने डिप्रिसिएशन का सही से इस्तेमाल करा है, और यहाँ पे करा भी हमने डिप्रिसिएशन का सही इस्तेमाल, 20% से हमने डायरेक्ट हाइक कर दिया 40% डिप्रिसिएशन को, ये हुआ फायदा। इसके बाद ये हुआ NDP और डिप्रिसिएशन का, मैंने आपको बता दिया क्या रोल होता है इकोनॉमी पॉलिसी में, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ GNP, ठीक है। GNP क्या होता है, GNP कुछ नहीं है दोस्तों, GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 3 बच्चे हैं, ऐसे बोल लो। पहला प्राइवेट रेमिटेंसेस,
प्राइवेट रेमिटेंस में कौन कौन है? प्राइवेट रेमिटेंस में जैसे कि मान लो कोई कोई एक लड़का है, कोई एक दोस्त है इमरान, वो कहाँ जाता है? सऊदी चला जाता है। सऊदी मतलब इन द सेंस कोई भी गल्फ कंट्रीज में चला जाता है, और वहाँ से वहाँ पे वो कमाता है और घर पे पैसा भेजता है। तो जो घर पे जो भेजेगा, मतलब इंडिया में पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? गल्फ कंट्रीज से आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है। तो इंडिया में पैसा भेजा तो इंडिया का क्या बढ़ा? इकोनॉमी बढ़ा, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ा। तो इसी को कहते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। अल्टीमेटली किसके घर में पैसा आया? मेरे घर में आया ना। इमरान किसके घर में पैसा भेजा? मेरे घर में भेजा ना। तो हम किसका इकोनॉमी बूस्टअप होगा? इंडिया का, मेरे घर का इकोनॉमी बूस्टअप होगा। ठीक है, अब ये तो प्राइवेट रेमिटेंस हो गया। अब इंडिया इसमें नंबर वन है, 80 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, 80 बिलियन डॉलर इंडिया एक साल में, 1 ईयर में 80 बिलियन डॉलर प्राइवेट रेमिटेंस के थ्रू इंडिया में पैसा आता है। 80 बिलियन डॉलर एक साल में प्राइवेट रेमिटेंस के थ्रू इंडिया में आता है। सोचो इकोनॉमी कितना ज़्यादा बूस्टअप हो जाता होगा। और इंडिया नंबर वन है, इंडिया टॉप्स इन द रैंकिंग ऑफ प्रोक्यूरिंग प्राइवेट रिमिटेंस। इसके बाद चाइना है, सेकेंड रैंक पे कौन है? चाइना है, 67 US डॉलर। ठीक है, इसके बाद इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और कहां से आता है पैसा? प्राइवेट रेमिटेंस में तो इंडिया बहुत ऊपर है। ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल लोन्स। ठीक है, एक्सटर्नल लोन्स, दूसरा बच्चा का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड के दूसरे बेटे का नाम है एक्सटर्नल लोन्स। तो इंडिया इसमें बोरोवर है, इंडिया बहुत, इंडिया हमेशा अभी तक तो बोरोवर है, मतलब कि इन द सेंस लोन देती नहीं, लोन लेती। ठीक है, बोरोवर है, तो ये निगेटिव में गया। ठीक है, ये निगेटिव में गया। और तीसरा बच्चे का नाम है एक्सटर्नल ग्रांट्स। तो इंडिया अभी पैसा दे रही है, एक्चुअली अभी आफ्टर 2014 इन द बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी पैसा बाहर दूसरे देशों को दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया बिगर रोल प्ले करना चाहता है एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया, हम लोग अब बिगर रोल प्ले करना चाहते हैं, इसलिए एक्सटर्नल ग्रांट्स देना बहुत ज़रूरी है। आप साउथ अफ्रीका में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अफ्रीकन कंट्रीज में किसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ के समिट में आपको बुलाया जाएगा, आपकी बातों को आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, आपके वर्ल्ड पॉलिसीज़ को इज्जत दी जाएगी, लोग सुनेंगे आपकी बातों की, आप एक्सटर्नल ग्रांट्स दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उस कंट्रीज़ को, आपकी इज्जत बढ़ेगी उस देश में। प्लस इंटरनेशनल लेवल पे कोई इशू होगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे वो लोग जो जिनको आपने पैसा दिया है। तो इसलिए भी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया बहुत ही बिगर रोल प्ले करना चाहता है, इसलिए भी इंडिया एक्सटर्नल ग्रांट्स पे कर रहा है बहुत सारे कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज में, इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा जीएनपी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये पॉजिटिव होने के बजाय ये नेगेटिव ही रहता है। तो जीएनपी इंडिया के केस में ग्रेटर रहता है जीडीपी से, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, तो जीडीपी से माइनस हो गया, सॉरी। मतलब जीएनपी क्या होगा?
जीडीपी से इंडिया के केस में हमेशा छोटा होगा, जबकि इसको ज्यादा होना चाहिए था। जीएनपी हमेशा इंडिया के केस में अभी तक फिलहाल 2021 तक कम ही है जीडीपी से। जस्ट लाइक जीडीपी एनडीपी जो है वो छोटा है जीडीपी से, क्योंकि डिप्रिसिएशन हमेशा होता है कोई भी एसेट में, इंसान के अलावा डिप्रिसिएशन हर एसेट में है, ठीक है, हर एसेट में है डिप्रिसिएशन। इसलिए एनडीपी जो है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि एनडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन हर एसेट में है तो जाहिर सी बात है एनडीपी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा जीडीपी से, ये खत्म कहानी। और दूसरा जीएनपी भी जीडीपी से छोटा है, क्योंकि इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो निगेटिव है, क्योंकि प्राइवेट रिमिटेंस में तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन दो फैक्टर्स में हम लोग पीछे हैं। दूसरा एक्सटर्नल लोन, हमने बहुत सारा लोन ले लिया है, दूसरा हम ग्रांट्स भी दे रहे हैं, तो दोनों में हमारा पैसा बाहर जा रहा है हमारे पास। एक तो हमने ले लिया लोन, ठीक है, उसको पे करना है इंटरेस्ट के साथ, ठीक, दूसरा हम लोग ग्रांट्स दे रहे हैं दूसरे कंट्रीज को, तो उसमें भी लॉस है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम आना चाहिए था हमारा, ये निगेटिव में ही जाता है। अभी तक के जो केस में ये सामने आया है कि ये निगेटिव ही जाता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इसलिए ये जीएनपी जो है वो लेस है जीडीपी से इंडिया के केस में। आगे बात समझ में। दूसरा अब हम लोग देखेंगे एनएनपी। अब एनएनपी से ही हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, एनएनपी से ही हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। अब एनएनपी क्या है, तो एनएनपी सिंपल है, जीएनपी जो हमने अभी कैलकुलेट करा है उसमें डिप्रिसिएशन को माइनस कर दो। अभी हमने जीएनपी को क्या देखा था, जीएनपी क्या था, देखो जीएनपी क्या था, जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये था जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमने इसमें डिप्रिसिएशन तो माइनस नहीं करा, तुम जैसे ही डिप्रिसिएशन इसमें माइनस करोगे ये क्या बन जाएगा, ये एनएनपी बन जाएगा। आगे बात समझ में, मतलब कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ में आ गया, डिप्रिसिएशन भी समझ में आ गया, जीडीपी में ये माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये तो ऐड होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इन द सेंस एनएनपी वापस से छोटा हो जाएगा जीडीपी से। और इसी एनएनपी को तुम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पर कैपिटा इनकम बन जाएगा। टोटल पॉपुलेशन से तुम क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ये क्या बन गया, पर कैपिटा इनकम बन गया। और यही होता है, ये तो पर कैपिटा इनकम हो गया पीसीआई, ठीक है। और नेशनल इनकम क्या होता है, वो ये होता है, यही होता है एनआई, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यही है नेशनल इनकम, यही है नेशनल इनकम, ठीक है। हेलो, नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, सीएसओ। आगे बात समझ में, ये कैलकुलेट करता है, सीएसओ कैलकुलेट करता है। अब हाँ ठीक है, अब इंडिया का जीडीपी में रैंक कितना है, अब ये हो गया कंप्लीट, नेशनल इनकम आ गया, इंडिया का जीडीपी में रैंक कितना है, तीसरा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन अगर हम लोग यूएस डॉलर्स के टर्म्स में देखेंगे, एक्सचेंज रेट के टर्म्स में देखेंगे, तो इंडिया का जीडीपी कितना है, फिफ्थ रैंक पे आता है। मतलब कि आईएमएफ के हिसाब से हमारा जीडीपी क्या है, थर्ड
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग। इंडिया कितना है? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। सबसे पहला कौन है? यूएसए। सेकंड कौन है? चाइना। और तीसरा कौन है? इंडिया। ये आईएमएफ के द्वारा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिपोर्ट में हम लोग तीसरे रैंक पे हमें मिला है इंडिया को, ठीक है। अगर आप यूएस डॉलर्स में एक्सचेंज रेट, इंडियन जो जीडीपी मान लो कुछ भी रुपी आती है, मान लो कि एक्स लाख करोड़ कुछ रुपया आया, ठीक है, उसको हम लोग अगर यूएस डॉलर्स में करें और फिर रैंकिंग निकालें तो पांचवे नंबर पे आते हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारा, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में है यूएस डॉलर, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लास खत्म होती है आज, अगली क्लास थर्ड लेक्चर इकोनॉमिक्स की होगी।